हेलो एंड वेलकम बैक टू वन अप इन द हाउस। माय नेम इज शाश्वत और आज का मैच है नो हेलमेट्स। तो आप में से कितने सारे लोग इतना पैसा खर्च करते हैं रॉयल पास पे? इतनी अलग अलग तरीके की आपके पास आउटफिट्स होती हैं, लेकिन जैसे ही आप हेलमेट पहनते हैं आपका हेड गियर वैसे ही गायब हो जाता है। सो वी डिसाइडेड लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट वेयर एनी हेलमेट। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? लेट्स एलिमिनेट ऑल द हेलमेट्स फ्रॉम द मैप। इस मैप में कोई हेलमेट आपको मिलेगा ही नहीं, ना लेवल 3, ना लेवल 2, ना लेवल 1। सो इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन हु हैज अ गुड एम टू टेक दैट वन बुलेट हेडशॉट किल। तो पीक लेने से पहले सोच लीजिएगा कि सामने कोई एम लेके तो नहीं बैठा। लेट्स स्टार्ट द मैच। तो प्लेन पाथ है नोवो रेपनॉय से जॉर्जोपोल। एग्जैक्टली जॉर्जोपोल और नोवो से नहीं है बट उनके आस पास ही है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड जंपिंग ऑफ द प्लेन। देखना होगा कि कौन नोवो, कोई नोवो जाता हुआ दिख ही नहीं रहा है मुझे। लग रहा है यहाँ पर सभी लोग सेफ खेलना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि हेलमेट्स तो मिलने नहीं वाले, और जिस तरीके की लूट नोवो पे मिल जाती है वहाँ से ज़िंदा बच के आना बहुत ही मुश्किल है। तो टीम नंबर 23 उतरती हुई मिल्टा पे, यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं नाइट गुरी उतर रहे हैं, इनके आसपास है टीम 10 और टीम 18 भी। ओके, मिल्टा हॉट ड्रॉप बन गया है, इनको जल्दी वेपन्स उठाने पड़ेंगे अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। यहाँ पे मिलिट्री बेस में AWM मिली है का अर्ली एग्जिट फ्रॉम द गेम, अनफॉर्चुनेट टीम 10 के एक प्लेयर। और टीम 23 यहाँ पे क्रॉसबो लेके टीम 10 के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी है। टीम 10 गाड़ी लेके भागने की कोशिश काफ़ी लो कर दिया था। आई वंडर कि ये क्रॉसबो से ही किया था या फिर किसी और तरीके से, या फिर वो कहीं बिल्डिंग से गिर के डैमेज खा गए। इट्स सो फनी कि आपके साथ साथ दो और स्क्वाड्स आती है मिल्टा में एंड इट बिकम सच अ हॉट ड्रॉप कि आपको मिल्टा से ही भागना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आई कैन सी टीम नंबर 19 रैथ 1G, हमारे काफ़ी OG प्लेयर, हर दूसरे गेम में ये आ जाते हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर टीम नंबर 19 शॉट गन्स एंड मिनी 14 लेके स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमीज़ को। और लेट्स गो टू जॉर्जोपोल, जॉर्जोपोल सिटी में टीम 21 के डेथ मोहित, इनके पास एक शॉट गन है और इन्होंने एक वियतनामी टोपी पहनी हुई है और एक ग्रेनेड निकाल लिया। इन्होंने टीम 2 को तबाह करने का इन्होंने डिसाइड कर लिया। क्या ये नेड लगेगा? ये नेड कनेक्ट नहीं हुआ। आई थिंक इनके पास एक और ग्रेनेड है, नहीं है। शॉटगन से उन्होंने डैमेज देना शुरू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है शॉटगन का एकदम करेक्ट इस्तेमाल। और स्मोक ग्रेनेड कर रहे हैं अपने आसपास सो दैट पीपल डू नॉट गेट टू सी हिम कि डेथ मोहित आखिर हैं तो हैं कहाँ। यहाँ पे टीम 2 भी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रही है लेकिन गलत जगह, गलत खिड़की। डेथ मोहित तो छत के ऊपर हैं, उन्होंने ऐसा स्मोक फेंका है कि टीम 2 को कोई खबर ही नहीं है कि डेथ मोहित आखिर शॉटगन मार रहे हैं तो कहाँ से मार रहे हैं। क्या यहाँ पे डेथ मोहित अकेले ही स्क्वाड वाइप कर देंगे? नहीं, पीछे चले गए, फॉल बैक किया। आई थिंक नाउ ही इज़ गोइंग टू कलेक्ट मोर वेपन्स और उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके फिर आएंगे फाइट लेने। लेकिन टीम 2 को अभी तक पता नहीं कि उनके ऊपर अटैक हो कहाँ से रहा था। टीम 2 इज़ नाउ हीलिंग अप, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे हेड गियर दिख रहे हैं, इन्होंने हुडी पहनी हुई है, इनके एक पार्टनर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी लाल टोपी पहनी हुई थी। एंड वी कम बैक टू मिल्टा, यहाँ पे टीम 19 वर्सेस टीम 18 होते हुए कैप्टन जूजू थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहे हैं और यहाँ पे उनके सामने एनिमी और उन्होंने शॉटगन से उनको मार दिया। कैप्टन जूजू विद दैट सरप्राइज अटैक, लेकिन पीछे से टीम 18 का कवर फायर आता हुआ, टीम 19 इज़ नाउ एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम। एंड फ्रॉम दैट फाइट वी स्ट्रेट जंप टू पोचिंग की, यहाँ पे हो रही है टीम 15 और टीम 5 की लड़ाई। टीम 5 के 2 मेंबर्स नॉकड आउट हैं और टीम 15 के 1 डीमन एटॉमिक अभी अभी रिवाइव हुए हैं। यहाँ पे लग रहा है कि रिवाइवल मिल जाएगा टीम 5 को भी, बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक सिचुएशन नहीं है। और किल फीड में मैं देख सकता हूँ सोलिशान ने एक किल कर दिया है, तो पैनिक सिचुएशन आई थिंक हो गई टीम 5 के लिए। और टीम 15 यहाँ पे किल पे किल करती हुई, आई थिंक टीम 5 के 2 मेंबर्स बचे हैं। येस, आई कैन सी 2 पीपल फ्रॉम टीम 5 क्रॉस बो चला रहे हैं, सोलिशान और उनके पार्टनर यहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहे हैं। काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन लग रहा है इस फाइट में, तो मुझे लग रहा है कि टीम 15 ही विजयी होगी। टीम 5 ऑलरेडी 2 पीपल डाउन और यहाँ पे क्रॉस बो मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन VSS से नॉकआउट हो गए हैं सोलिशान। टीम 5 इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि क्रॉस बो खा जाए सीधा खड़े हुए, लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है टीम 5 के लिए। टीम 5 को अभी भी 2 लोग और नॉकआउट करने पड़ेंगे टू गेट अ 1v1 फाइट। अभी भी टीम 15 इज स्ट्रॉन्गर,
टीम 15 यहाँ पे स्मोकर के रिवाइवल करेंगे। और अब टीम 5 के एक और प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं। ऑनेस्टली अगर अब मेरी माने तो टीम 5 को यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। यू हैव टू डिसाइड, मैं कई बार बोल चुका हूँ, यू हैव टू डिसाइड विच फाइट यू हैव टू टेक एंड विच फाइट यू हैव टू लीव। PUBG इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल, और अगर अभी भी टीम 5 के ये मेंबर एंड तक सर्वाइव करते हैं और इनके सामने एक या दो या तीन या चार एनिमी भी होते हैं फाइनल फाइट में, तब भी 1v4 किया जा सकता है, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ द मोरल ऑफ टीम 15 इज़ वेरी हाई, सो दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। सो पुचिंकी से हम आ गए हैं सीधा रुइंस के आउटस्कर्ट्स में। यहाँ पे फाइट हो रही है टीम 17 की टीम 12 के साथ। टीम 12 यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही है मुझे, और टीम 17 के चारों मेंबर्स अभी भी अलाइव हैं। टीम 12 के एक मेंबर अभी अभी उनका देहांत हुआ है, और टीम 12 यहाँ कोशिश कर रही है ग्रेनेड्स फेंक के कि एक आध नॉक निकल जाए टीम 17 का। यहाँ टीम 17 के ZS आर्नो थोड़ा सा लेफ्ट फ्लैंक करते हुए, इनके पास काफ़ी क्लियर शॉट आ गया है टीम 12 का। देखना होगा कि ये 4x लगा के S12 के चला रहे हैं। वाओ, 4x लगा के शॉटगन पहली बार मैं देख रहा हूँ इफेक्टिवली यूज़ करी जा रही है। कभी कभी गलती से लग जाता है और फिर उसको हटा के ऐसे फेंकते हैं लोग, लेकिन ही इज़ यूजिंग इट एंड दैट इज़ डिलिबरेट एंड ही इज़ यूजिंग इट वेरी नाइसली आई मस्ट से। और यहाँ पे अचानक से शॉटगन्स का घमासान युद्ध होता हुआ, एक के बाद एक प्लेयर्स नॉक होते जा रहे हैं। यहाँ पे टीम 17 का एक प्लेयर नॉक दिख रहा है मुझे, और टीम 12 के दो प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं, और अब टीम 12 के प्लेयर्स को देखना होगा। 17 ने पुश कर दिया टीम 12 के अकेले मेंबर के ऊपर जो घर के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे टीम 12 के मेंबर बच गए हैं और धीरे धीरे करके एक आध शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट ओपी वर्सेस वॉइड सौरभ ने फ्लैश बैंग भी यूज़ किया, लेकिन फाइनली टीम 17 ओवर पावर्ड टीम 12। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नितिन एकदम निर्भय फियरलेस ब्रिज के बीचों बीच लेटे हुए हैं और एक क्रेट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि टीम 14 आ चुकी है पीछे से अटैक करने के लिए। क्या यहाँ पे टीम 14 एक हाथ नॉक निकाल पाएगी ब्रिज पे, लेकिन कैमरा स्विच हो गया। लेट्स गो टू पोचिंग की टीम 15 यहाँ पे सोलिशान ने एक और ग्रेनेड से नॉक कर दिया है। सोलिशान बड़े ही नॉन कंटेम्प्रेरी तरीके से लोगों को नॉक करते रहते हैं, गन्स का कम इस्तेमाल, क्रॉसबो और ग्रेनेड, वाओ कुछ भी कर रहे हैं सोलिशान। क्या यहाँ टीम 7 का अंत होगा, देखना होगा। टीम 7 यहाँ पे ब्रोकन वॉल्स के पीछे लेटी हुई है, बट दे डू नॉट नो देयर अप एंड अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, टीम 15, जिसमें है सोलिशान, डीमन एटॉमिक एंड टू मोर प्लेयर्स। और अब ब्लू जोन भी इनकी तरफ बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा आई कैन सी कन्फ्यूजन इन द एयर कि लड़ें कि पीछे भाग जाएं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। टीम 15 ओके, ब्लू जोन बहुत तेज़ी से इनको चीरता हुआ निकल गया है, सब लोग डैमेज लेने लगेंगे। अब डीमन एटॉमिक यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि एनिमीज हैं तो हैं कहाँ, और S12 के लेके आई थिंक टीम 7 तो यहाँ पे जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, गाड़ी लेके सोल प्यूशन के तैयार हैं यहाँ पे, लेकिन डीमन एटॉमिक ने स्पॉट कर लिया है। ओके, जो रिवाइवल चल रहा था रिवाइवल उन्होंने ऐसी तैसी कर दी रिवाइवल की, और दो बंदे मार दिए हैं, और फाइनली सोल पीयूष ने मेरी एडवाइस सुनी, गाड़ी लेके भाग गए। कभी कभी आपको देखना होता है कि ये फाइट आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। राइट डिसीजन बाय सोल पीयूष, आई बैक इट 100%, गाड़ी लेके निकल जाओ। और यहाँ पे ब्रिज के पास मुझे दिख रहा है कि दो टीम्स की फ़ाइट हो रही है, टीम 23 एंड टीम 18। टीम 18 जो थोड़ी देर पहले लूट रही थी ब्रिज के ऊपर, अब टीम 23 वहाँ पे आ चुकी है। शॉट्स फायर्ड फ्रॉम टीम 18, एक नॉकआउट हो चुका है टीम 23 का, जोन आ चुका है, और ये गाड़ी में ये उनको रिवाइव कर सकते थे। थ्री मेंबर्स आर स्टिल ऑन देयर फीट, बट निकल गए, थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया निकल जाने की एडवाइस को। इतना भी नहीं करना चाहिए कि जब आप तीन लोग अलाइव हैं तो अपने चौथे बंदे को छोड़ के भाग जाएं, बट व्हाट क्या ही किया जा सकता है, देयर डिसीजन आई रिस्पेक्ट इट। एंड स्पीकिंग ऑफ फाइट्स आउटसाइड ऑफ द सर्कल, यहाँ पर टीम 25 वर्सेज टीम 24, आई थिंक किल स्टील कर ली जीरो हेल्थ ने, या फिर इन्होंने ही खुद ही नॉक किया था, आई एम नॉट रियली श्योर। अब रावण बाबा काफ़ी लो ऑन हेल्थ, ओके उनको शॉर्ट्स पड़ रहे हैं बाई टीम 25। यहाँ पर टीम 25 के नेक्स्ट लेवल चेक हील अप करते हुए, और काफ़ी कन्फ्यूजन हर जगह से शॉर्ट्स। ओके, टीम 22 वर्सेज टीम 17 होता हुआ घर के अंदर घुस गए, एक के बाद एक सब लोग नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स निकाल रहे हैं। कौन जीतेगा इनमें से, टीम 17 या टीम 23?
और साथ ही साथ यहाँ जॉर्जो पोल में डेथ मोहित अपनी वियतनामी टोपी और कार 98 लेके फिर से ग्रेनेड निकाला इन्होंने टीम 13 पे। क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट होगा? काफ़ी अच्छी पोजीशन है उनकी और लग रहा है कि ये अच्छे से लगेगा इनको। एक प्लेयर नॉकआउट और दूसरे की हेल्थ 10%, काफ़ी अच्छा ग्रेनेड। डेथ मोहित को अब यहाँ पुश कर देना चाहिए उनके बाकी जो मेम्बर्स हैं। यस, पुश कर चुके हैं। टीम 13 इज़ इन डीप ट्रबल। उनका जो एक लौता मेम्बर है जिसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी वो ऊपर है। आई एम नॉट श्योर if he is going to be able to rescue his teammates. Black Widow with that 1v4 situation. क्या यहाँ पे एक हीरो निकलेंगे? MK14 है इनके पास, लेकिन I think he'll just deliver it to team 21. अब उनके पास ग्रोजा के साथ साथ MK14 भी हो चुकी है। Very nice. और सर्कल जो है काफ़ी नॉर्थ साइड में बन गया है। यहाँ पे टीम 18 आई थिंक पुश करती हुई विद दैट काउबॉय हैट, अपनी हैट लगा के भागते जा रहे हैं। जो भी सामने आ रहा है उसको मारते जा रहे हैं। और ये रोमन हेलमेट लेके इनसेन आसिफ ओपी नॉकड आउट हैं, लेकिन सक्सेसफुली इनकी टीम ने वाइप आउट कर दिया उस स्क्वाड को। लेकिन तभी अचानक से टीम 25 भी उसी स्क्वाड हाउस पर पुश कर देती है। अब मुश्किल लग रहा है यहाँ पे टीम 18 का बचना, क्योंकि टीम 25 विद ऑल फोर मेंबर्स अलाइव एंड किकिंग, यहाँ पे जीरो हेल्थ, अंधाधुन भागते हुए सीधा आग के दरिया में घुस गए हैं। और लग रहा है यहाँ नॉकआउट हो सकते हैं। बहुत कम एचपी बची है इनकी, थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो कहाँ भाग रहे हैं। यहाँ वैलेंसी एक नेड निकाल के कोशिश करते हैं कि ऊपर नॉकआउट करें, लेकिन आई थिंक टीम 18 इज़ होल्डिंग देयर ग्राउंड वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे डॉग साहिल दिखे जा सकते हैं S12K के साथ, एग्जैक्टली उसी ड्रॉअर के पीछे जहाँ से व्यू नहीं मिलता, बट ही कैन सी इफ एनीवन इज कमिंग अपस्टेयर्स। इनसेन ओपी ने अपनी जगह ले ली है, डॉग साहिल ने अपनी जगह ले ली है, ओनली टू मेंबर्स और सामने हैं चार एनिमी। क्या यहाँ पे टीम 25 सक्सेसफुली पुश कर पाएगी? लेकिन अचानक से ग्रेनेड आता है, आसिफ ओपी नॉकआउट हो चुके हैं, दूसरे ग्रेनेड से वो फिनिश भी हो चुके हैं। अब सिर्फ डॉग साहिल रह गए और टीम 25 ऊपर पुश करेगी और अच्छे से वाइप आउट कर देगी। अनफॉर्चुनेट फॉर टीम 18, अभी अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा वाइप किया था। लेकिन साथ ही साथ दूसरे स्क्वाड हाउस में टीम 17 थी, जिसके ऊपर टीम 15 ने पुश कर दिया। यहाँ भी टीम 15 भी चार के चार प्लेयर्स जिंदा हैं और टीम 17 के मुझे सारे प्लेयर्स अलाइव नहीं दिख रहे हैं। सोल ईशान ने एक नॉकआउट निकाल दिया। यहाँ डीमन एटॉमिक अपना हेल्थ थोड़ी सी रिप्लेनिश करते हुए, सोल ईशान काफ़ी लो ऑन हेल्थ और एक प्लेयर इनके नॉकआउट हो चुके हैं। टीम 15 भी थोड़ी सी मुश्किल में और टीम 17 के एक प्लेयर डेड हैं। तो ये अपनी सारी पोजीशंस ले चुके हैं कि जैसे ही एनिमी ऊपर आएगा उनके ऊपर हमला बोल दिया जाएगा। और शौर्य ओपी एकदम रेडी विद दैट S12K। देखना होगा कि किस तरीके से टीम 17 यहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर पाती है या फिर टीम 15 सक्सेसफुली पुश कर देती है। दिस इज़ द मोमेंट, सब लोग बूस्ट अप कर रहे हैं। दिस इज़ द मोमेंट बिफोर द बिग फाइट। और एक ग्रेनेड आता है, 17 के एक मेंबर की पूरी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। नीचे शौर्य भी जा चुके, डीमन एटॉमिक को उन्होंने नॉक कर दिया है और घमासान युद्ध, कौन किसको मार रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। शौर्य ने एक और प्लेयर नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे डीमन स्नाइपर अकेले बचे हैं और टीम 17 के दो प्लेयर नॉक हैं और टीम 15 के तीन प्लेयर नॉक हैं। 1v1 फाइट है, डीमन स्नाइपर वर्सेज समबडी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आई एम सॉरी आई हैव टू टेक द नेम, उनका नाम है मिस्टर सैम किडो एंड ही इज हिस्ट्री। डीमन स्नाइपर फाइनली मैनेजेस टू किल द एनिमी लास्ट सर्वाइविंग मेंबर एंड सेव्स हिज टीम। गुड एफर्ट बाय टीम 15, अमेजिंग फाइट। और अब ब्लू जोन की मार पड़ने लग गई है लोगों को। डेथ मोहित यहाँ पे मेडकिट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सक्सेसफुली कर पाएंगे? एंड कर ली, एंड नाउ ही इज रनिंग टूवर्ड्स द सर्कल। और यहाँ पे टीम 15 भी इनके दो मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली मर गए हैं और डीमन स्नाइपर के ऊपर अटैक आता हुआ और डीमन स्नाइपर नॉकआउट हो चुके हैं और सोल ईशान इज दी ओनली सर्वाइविंग मेंबर। डेथ मोहित की फिर से हेल्थ चली गई और ओके VSS से उनको ख़त्म कर दिया गया है। जीरो हेल्थ ने यहाँ पे डीमन स्नाइपर को नॉक कर दिया और डेथ मोहित मर चुके हैं। That is, I think, the unfortunate end for Team 15. काफ़ी अच्छा खेल रहे थे लेकिन Team 25 ने आके उनका गेम ख़त्म कर दिया। यहाँ पे Team 24 बिल्कुल सही कर रही है, शैक के अंदर बैठे हुए हैं आराम से, दे आर नॉट एंगेजिंग इन एनी फाइट्स। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्कल है, काफ़ी ओपन है शूटिंग रेंज के पीछे और अचानक से अटैक हो गया है 8 के ऊपर। समीर माय मैन, आपके ऊपर M249 अनलीश करी है किसी ने, आपके पास AWM थी लेकिन दैट डिडंट हेल्प। एंड Sunif69 अगेन विद दैट M249, उन्होंने पूरी टीम ख़त्म कर दी। 1v2 सिचुएशन थी लेकिन टीम 8 इज़ नाउ एलिमिनेटेड। अब तीन टीम्स रह गई हैं, टीम 9, टीम 24 और टीम 25।
टीम 25 की जीरो हेल्थ ने अभी सनिफ 69 को भी मार दिया। जीरो हेल्थ ने एक और हेडशॉट मारा है। जीरो हेल्थ तो आई थिंक आज रुकने के मूड में नहीं है, एक के बाद एक हेडशॉट्स देते जा रहे हैं और स्मोक के थ्रू भी मार रहे हैं। क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। नेट्स कर रहे हैं, स्मोक के थ्रू नहीं मार रहे हैं। ओनली टू टीम्स सर्वाइविंग नाउ, टीम 25 एंड टीम 24, लास्ट बॉटम टू टीम्स। ओके, जीरो हेल्थ ने फिनिश कर दिया फाइनली। और अब ओके 4v1 सिचुएशन है यहाँ पे। फुल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हाइस्ट वेगस, बट बहुत ही मुश्किल है। सो टीम 25 सक्सेसफुली फिनिशेस द गेम एंड टेक्स द चिकन डिनर। कॉन्ग्रेचुलेशन जीरो हेल्थ। नेक्स्ट लेवल चेक डार्क नाइट एंड वैलेंसी, इनके टीम किल्स हैं 7, 4 और 2। डार्क नाइट के 0 किल्स, 2, 6 और 13 किल हैं इनके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु प्लेड वेल। टीम 15 भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेली, डीमन एटॉमिक, डीमन स्नाइपर एंड सोलिशान और पीएसबी ताला और सनिफ 69 भी काफ़ी अच्छा खेले, एंड तक सर्वाइव किया उन्होंने। M249 थे उनके पास, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, बट ही प्लेड वेल। सो इफ़ यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू वन अप गेमिंग फॉर मोर कॉन्टेंट। एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दीज गेम्स, यू हैव टू जस्ट स्टे सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप अ लुक आउट ऑन द कम्युनिटी टैब, वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं कि कब अगले गेम्स होने वाले हैं, वेरी सून। एंड जॉइन द डिस्कॉर्ड फॉर द रूम आईडी एंड पासवर्ड, वहाँ पे हम रूम आईडी और पासवर्ड शेयर कर देते हैं सो दैट यू कैन जॉइन द गेम्स। गेम्स यूजुअली हैपन एट 4 PM, सो कीप योर स्केड्यूल फ्री। दिस इज मी शाश्वत साइनिंग ऑफ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।